टेम्परेचर है -8। रिवर्स सेंचुरी में जो जो नेसेसरी से है। सुप्रभात मंडळी, नवीन दिवस नवीन प्रवास। कितवा दिवस आहे? माहित नाही मला। टेम्परेचर आहे -8। वॉशरूमला आणि ब्रश करायला गेलो होतो। भाई साहब, इतकं थंड पाणी। फेसवॉश आणि टूथपेस्ट मधून ना ती पेस्ट आणि तो फेसवॉश निघतच नव्हता। मालवणी खाजा खातोय हिमाचल मध्ये, की मॉन्स्टर मध्ये मालवणी खाजा खातोय। आणि मालवणी खाजा सुद्धा आहे बघा, लेअर सुद्धा कडक झाल्यावरती। आहे मी की मॉनेस्ट्री मध्ये, वाजले आहेत 8 आणि हा काहीसा बाहेरचा नजारा आहे बघा। आणि जिथे मुलं आहेत शिक्षणासाठी ते उठले आहेत हे बघा। आतमध्ये काहीतरी त्यांचं शिक्षण चालू आहे, प्रे करतात तसा आवाज येतोय। नमकीन टी आहे, नमकीन टी। थोडस आंबट आहे, थोडं छान लागतंय पण। सत्तू आहे हे, फिक फिक लागतं थोडं पण ठीक आहे, चांगलं। ही नमकीन चहा आहे ना, त्यामध्ये दूध, बटर आणि थोडस मीठ असत। खातोय हे, एवढं चविष्ट नाही आहे पण पौष्टिक नक्कीच आहे। हाँ जी, आपका मतलब पूरा दिन का ये कैसा रहता है? दिन चालू होके एंड तक मतलब क्या क्या उसमें ही रहता है ये बताएंगे? ये बताएंगे ठीक है, दिन पर बताएंगे। यहाँ पर ठहरे हुए हो? ठहरा ना, कल 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 से हो, आज जाऊंगा। अब मत जाओ, फिर जाने तो दिन भर बैठो, मैं दिन भर बताऊंगा। आहे यांचं किचन आहे। या तिची व्हिडिओ पाहिला नाही का कालची? ती बघा, मग तुम्हाला ही व्हिडिओ कळेल। जर इथे राहिला तर ही पर्ची मिळेल तुम्हाला। प्रे चालू असताना आतमध्ये फोटोग्राफी किंवा व्हिडिओग्राफी अलाउड नाही आहे। त्यांची प्रार्थना संपल्या आता आणि ते निघाले जाता। पुरे दिन का दिनक्रम कैसा राहत आहे? हेलो जी, आपका नाम? तेंजिन। तेंजिन, आपके पूरे दिन का दिनक्रम कैसा रहता है? मतलब अभी क्लास हो रहा है, बाद में लंच, अब यहाँ हो लंच तक। नहीं, मैं कल से था इधर, तो अब मैं जा रहा हूँ। मतलब दिन शुरू कहाँ से होता है और मतलब खत्म कहाँ से होता है? दिन सुबह 6 बजे स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हमारा फिर मेमोराइजेशन का वो रहता है। ओके, मेमोराइजिंग करते हैं ना, बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट होते हैं रिचुअल्स का होता है, फिर बुद्धिस्ट फिलोसफी का वो मेमोराइज करते हैं। 8 बजे तक, 8 बजे 8 बजे हम लोग यहाँ ब्रेकफास्ट करने आते हैं ना इधर। हाँ जी, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट भी साथ में रहता है।
उसके बाद फिर अभी 9 बजे हो गया तो इसके बाद हमारा क्लासेस शुरू होता है। मतलब बुद्धिज्म का ही या मतलब एजुकेशन का? एजुकेशन दोनों का है। ओके ओके, मैं स्कूल भी देखा है ना। हाँ जी हाँ जी, मॉडर्न डे एजुकेशन जैसे 21st सेंचुरी में जो जो नेसेसरीज है, जो 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 नेसेसरीज है, जैसे इंग्लिश को आप अवॉइड नहीं कर सकते, हिंदी लैंग्वेज, ये लैंग्वेज को आप अवॉइड कर ही नहीं सकते, स्पेशली इंग्लिश, तो ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। ओके, तो बच्चों को किंडरगार्टन लेवल से लेकर पूरा ये ग्रेजुएट कर इनको मैट्रिक कराते हैं। ओके, और ओके। अभी 2-3 साल में फिर ये 12th ग्रेड का भी निकलने वाला है। ओके, तो उनको पूरा मॉडर्न एजुकेशन जो है सारा प्रोवाइड करते हैं। तो कितने बजे तक चलता है क्लासेस? क्लासेस तो हमारा तो पूरा रात को 11 बजे तक चलता है। 11 बजे चलता है। और अपना खाने का टाइम कितना रहता है? सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे, दिन को 12 बजे, शाम को 6 बजे, इसके बाद हमारा क्लासेस रहते हैं ना, जैसे हमारे हम लोग सीनियर हैं, बुद्धिस्ट फिलोसफी पढ़ते हैं, तो हमारा बुद्धिस्ट फिलोसफिकल जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें टीचर्स इंस्ट्रक्शन लेते हैं स्पेशल टॉपिक्स पे, तो उस पर हर रोज़ डिबेट होता है। और बुद्धिस्ट फिलोसफी में हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो टीचर से इंस्ट्रक्शन लेना, आइडिया जो लॉजिक्स हैं उनका, मतलब स्पेशल हर रोज़ मतलब डिफरेंट टॉपिक्स होता है वहाँ। तो बाद में आप मतलब लामा बन गए तो हर मॉनेस्ट्री में भी जा सकते हैं या मतलब? हाँ, हम लोग करते हैं ओकेशनली, वी आर ट्रैवलिंग टू अदर मॉनेस्ट्रीज। थैंक सॉन्ग ना, थैंक थैंक सॉन्ग। ओके, और आजचा प्लॅन आहे लांगजा हिक्कीम कॉमिक, ते कुठे आहे तुम्हाला दाखवतो मॅपमध्ये। आता आपण आहे इथे की गोंपा, पण आत्ताचा प्लॅन आहे माझा इथून वरती कॉमिकपर्यंत जाण्याचा, कसा जाईन माहीत नाही, आणि जर वेळ राहिलाच तर मग आज रात्री लोसरसाठी ट्रॅव्हल करणार आहे। निघालोय मॉनेस्ट्रीमधून, वाजले आहेत 9:30 आणि हा बाजूचा नजारा आहे। आता हिचाइकिंग करावी लागेल, इथे गाड्या पण नाही येत आता।